उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के लेखपालों के साथ हो रही आए दिन मारपीट को लेकर लेखपाल संघ कड़े रुख अपनाते हुए आर पार की लड़ाई पर उतारू हो रहे हैं। पूर्व में कासगंज जिले के लेखपालों के साथ हुई मारपीट एवं हॉल में कन्नौज जिले के हिवरा में अधिवक्ताओं द्वारा एक महिला लेखपाल से जबरदस्ती गलत रिपोर्ट लगवाने पर अड़े अधिवक्ताओं ने महिला लेखपाल के साथ मारपीट कर दी, जिसका विरोध करते हुए मथुरा के गोवर्धन में लेखपाल संघ धरने पर बैठ गए हैं। लेखपाल संघ ने बताया कि अब लेखपालों पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर गोवर्धन तहसील में 27 सितंबर तक कलमबंद हड़ताल की गई है और एक बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इस संबंध में विभिन्न जगहों से लेखपाल एकत्रित होकर अपनी बात रखेंगे। लेखपालों के साथ पूर्व में कासगंज में अभद्रता हुई, उसके बाद जनपद कन्नौज के छिबरामऊ तहसील में अधिवक्ताओं द्वारा एक महिला लेखपाल से जबरदस्ती रिपोर्ट लगवाने की कोशिश की गई। जब उसने गलत रिपोर्ट नहीं लगाई तो उसके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई लेखपालों के साथ। जब दूसरे दिन लेखपाल डीएम साहब के यहाँ धरने पर थे, अपना ज्ञापन देने गए थे, तो वहाँ के अधिवक्ताओं ने उनको घेर के लाठी डंडों से मारा, जिसमें कई हमारे लेखपाल साथी घायल हैं। महिला लेखपालों से बदतमीजी की गई। इसी क्रम में हमारे प्रांतीय उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्वारा आह्वान किया गया कि हम 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश में कलम बंद करके आंदोलनरत रहेंगे और अग्रिम जो भी हमारा निर्णय होगा प्रांतीय कार्यकारिणी का, जिसमें 27 तारीख को प्रदेश की बैठक है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी उपस्थित रहेगी।